हरियाणा में 3 मार्च से शुरू हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त निशांत कुमार यादव शहर के डीएवी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में केंद्र अधीक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नकल रहित परीक्षाएं करवाना प्रत्येक केंद्र अधीक्षक की ड्यूटी के साथ साथ नैतिक दायित्व भी है। नकल की प्रवृत्ति हमारी व्यवस्था और समाज पर एक कलंक के समान है। जिले में हर हालत में परीक्षाएं नकल रहित करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिन परीक्षा केंद्रों में नकल की संभावना रहती है वहां अधीक्षक अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। उपायुक्त ने कहा कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए कुछ गांवों में कमेटियां गठित हैं। उनका काम केवल नकल रोकने में सहयोग देना है। ऐसी किसी भी कमेटी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई अंदर आना चाहे तो उसे रोक दे, इसकी जिम्मेदारी भी केंद्र अधीक्षक की है। उन्होंने केंद्र अधीक्षकों को बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी मंशा यही है कि पूरे प्रदेश में परीक्षाएं बिना नकल के हो, और उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों को भी स्पष्ट निर्देश हैं कि वे अपने जिलों में परीक्षाओं को हर हालत में नकल रहित करवाएं। इसे देखते हुए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों की पालना करें। देखिए एक रिपोर्ट। बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होने जा रही है हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, उसके जो संबंधित केंद्र अधीक्षक थे उनकी मीटिंग ली गई आज। करनाल में टोटल 98 सेंटर बनाए गए हैं जो 88 स्कूलों में स्थापित हैं। उन सब पे कैसे कैसे पेपर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाएगा, किस तरीके से ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, कैसे पेपर को वहाँ या ट्रेजरी से वहाँ पहुँचाया जाएगा, इन सब की जो तैयारियाँ हैं इनका हमने आज जायजा लिया है। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम एक नकल रहित परीक्षा करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल करनाल से सारे जिलों के DC SPs की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ये मैसेज दिया है, तो हम इस चीज को लेकर के पूरे कृतज्ञता। सर, आपने कहा कि पहले कार्रवाई होगी अगर कोई भी स्लिप पाया, बिल्कुल जी, फिर जवाबदेही होगी जी, क्योंकि कई बार इस तरह की बात आती है कि जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उन्हीं का संलिप्तता इसमें नकल में पाई जाती है। तो जिस भी किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ इस तरह की शिकायत आती है तो स्टेट डायरेक्ट एक्शन होगा। सर, गांव के भी कुछ लोग सहयोग करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी नकल जो है हो जाए, तो उस बारे में अभी इस बारे में हमने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि गांव से अगर कोई कमेटी बनती है उनका सहयोग लिया जाए, गेट पे वो निगरानी रखें। लेकिन कई बार इस तरह की शिकायत भी आती है कि उसी कमेटी में से कुछ लोग नकल में भी शामिल हो जाते हैं, तो उनकी जो अप्रोच है वो सिर्फ दरवाजे तक, गेट तक ही, स्कूल के गेट तक ही सीमित रखी जाएगी, क्लासरूम्स के अंदर उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। सर, 3 गांव को सेंसिटिव बताया आपने, उन लोगों को क्या कहें जी? बलासालोर और गंगाटेढ़ी 3 गांव हैं जो सेंसिटिव हैं, क्योंकि वहां पे नकल का इतिहास रहा है। वहां पे हमने एडिशनल पुलिस फोर्स भी लगाई है और विशेष कोताही बरतेंगे कि वहां इस तरह की चीज ना हो। मैं गांव वासियों से भी अपील करना चाहूंगा कि बच्चों के भविष्य का सवाल है तो बिल्कुल नकल रहित जो है वो परीक्षा करें। बच्चों को क्या कहेंगे सर? बच्चों को मैं यही कहूंगा कि जितनी भी उन्होंने साल भर की तैयारी की है उसको इस परीक्षा में झोंक दें, उसको लगा दें। और कोई भी परीक्षा सिर्फ एक दिन की नहीं होती, या कोई भी लाइफ जो है एक दिन से खत्म नहीं हो जाती। जिन बच्चों का पेपर्स अच्छे ना हो तो वो भी निराश ना हो, आगे जीवन में बहुत अवसर मिलते हैं उनको अच्छा करने का मौका मिले। सर, बोर्ड की परीक्षा में सर टाट का यूज होगा या टाट पट्टी का या डेस्क का? इसमें सर पिछली बार ऐसा किया था सर, सारे बेंच बाहर निकाल दिए थे, टाट पट्टी पे करवाई थी, टाट पट्टी पे बल्कि ज्यादा वो हो रहा है। इस बार ऐसा है जितने डेस्क हैं वहाँ डेस्क रहेंगे, जहाँ डेस्क की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ टाट पट्टी। और सर, खिड़कियों से ज्यादा नकल हो रही है सर? हमने कोशिश ये कराएंगे कि जितनी भी खिड़कियां, अगर वो खिड़कियां इस तरीके की कोई ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल है, कोई अंदर आ बाहर जा सकता है, उसको तो बंद करवा देंगे। और खिड़कियों पर विशेष रूप से ड्यूटियां रखेंगे, हर एक सेंटर पे 3 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी है, उनकी यही काम रहेगा कि वो खिड़कियों सर, पिछली बार हमारा जो करनाल का मेन स्कूल है बॉयज स्कूल, इसमें ही खिड़कियों से नकल हुई और ये करनाल का एरिया और यहाँ पुलिस तक नहीं। इस बार बिल्कुल सख्ती रखेंगे, साथ ही में सभी SDM से ADC DC हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स भी बनी हुई है। समय समय पे मैं खुद भी और बाकी अधिकारी भी स्कूल चेक करते रहेंगे, और अगर इस तरीके की एक्टिविटी में कोई भी संलिप्त पाया जाता है एक्शन लेंगे। धारा 144 अभी परीक्षा केंद्रों के खिलाफ आगे सामने लगा दी गई है, 4 या 4 से अधिक लोगों की गैदरिंग पे प्रतिबंध है। सर, जो बोर्ड के अधिकारी हैं, जो मतलब हम उनसे बात करते हैं शाम को, मैं बताना भूल गया, जिले स्तर पे कंट्रोल सेंटर बना रहे हैं, इन सबको जो सेंटर स्टूडेंट्स हैं उनको नंबर कन्वे कराया जाएगा। अगर किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे DPRO साहब और बाकी लोग हैं, उस कंट्रोल सेंटर से ली भी जा सकती है। किसी को कोई शिकायत दर्ज करानी है वो भी इस कंट्रोल सेंटर पे करा सकते हैं। थैंक यू। ये सेंसिटिव की कैटेगरी में बिकॉज ऑफ वहाँ का जो इतिहास रहा है, आप एक बार जो भी सेंटर अलॉट होता है वहाँ से एक बार लोकल इनपुट ले लीजिएगा। प्रॉब्लम हर जगह रहती है बट आप इनपुट ले लीजिएगा, कहीं अगर एक दो गांव और ऐसा है जहाँ आवश्यकता है हम वहाँ पे उसको चेक करा लेंगे। आपका इनपुट नहीं चलेगा बिकॉज हर बंदा चाहता है मेरे को ज़्यादा फोर्स मिले, इतने सेंटर से हमें फोर्स इक्वली डिवाइड करनी पड़ेगी, हमेशा इतनी फोर्स लगती है। अगर किसी का कोई इशू है हमारे साथ शेयर कर ले, हम उसको चेक करा लेंगे, अगर वैलिड हुआ तो फिर हम उसको देख लेंगे। एंड रूरल के ऑलमोस्ट 57 सेंटर्स हैं, अर्बन के 41, अर्बन में इतनी दिक्कत नहीं आती है।
दो इशू जो आपको सेंटर स्टूडेंट प्लस जो वहां अदर मेंबर्स होंगे टीचर्स होंगे उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप सुपरिटेंडेंट हैं आपका कोई रिलेटिव वहां एग्जाम ना दे रहा हो, अगर है तो डीओ साहब एंड माननीय उपायुक्त महोदय की नॉलेज में लाने की आवश्यकता है जी। आप कितने भी फेर रहे आपके ऊपर आरोप लगेंगे। वन सेकंड, आपके सेम स्कूल के स्टूडेंट्स आपके अंडर पेपर ना दे, ये चीज आप चेक करा लीजिएगा, इसके बाद ये अपनी ड्यूटी शुरू कीजिएगा। डिप्लॉयमेंट है जो वो हमने सब जगह प्लान कर ली है, जो सेंटर स्टूडेंट है उसके साथ जो लिस्ट है हम शेयर कर देंगे, सबके नंबर आपके पास होने चाहिए पुलिस वाले के। बाहर का जो आउटर एरिया है उसमें ज्यादा दिक्कत आती है, हम उसी को मैन करेंगे, अंदर वाला जो एरिया रहेगा वहां कोई दिक्कत ऑलमोस्ट आएगी। 2208, 222 and 223 दो नंबर हो गए, 222, 223 राजवीर किसते रहने का नंबर 01 84 220 82 22 220 82 23 100 नंबर की कंप्लेंट रहती है कई बार, बिकॉज उस पर 8 लाइन लगातार बिजी रहती हैं। 100 नंबर एक्स्ट्रा है उस पर आप नोट करा सकते हैं, उसके अलावा दो लैंडलाइन नंबर मैंने दे दिए हैं जो हमेशा अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर भी और दूसरा नंबर दे रहा हूँ मैं जो कंट्रोल रूम इंचार्ज का है, 74194 मोबाइल नंबर है ये, 74194 50100 50100। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.